हाय गाइस, वेलकम टू आशीष वर्ल्ड। और मेरे से बहुत सारे लोगों ने ना ग्रोसरीज के बारे में पूछा है कि यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस अदर देन द रेंट क्या क्या होता है। तो ऑब्वियसली ग्रोसरी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो मैं अभी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जा रही थी और आज लकीली ऐसा दिन है कि मेरे घर में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मैं ऑस्टिन से वापस आई थी। मेरी ऑस्टिन की एंटरप्रेन्योरशिप ट्रिप चल रही थी, तो वहाँ सबसे वापस आने के बाद घर में है भी नहीं कुछ। तो आज मुझे बहुत सारी ग्रोसरी खरीदनी भी है, तो मैंने सोचा कि आज मैं जो भी खरीदूंगी वो सब रिकॉर्ड करूंगी। तो मैं साथ में दिखाऊंगी कि कितने का है, कहाँ मिलता है एंड यहाँ पे लाइक वैरायटी वगैरह, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के जो मैं अलग अलग आंसर नहीं कर पा रही थी। तो आई ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दैट टुडे। तो मैं फूड लाइन जा रही हूँ। ये वाला फूड लाइन मेरे घर से काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस है, तो मेरा घर उधर वाली स्ट्रीट पे है यहाँ से फूड लाइन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम ना इस सिग्नल पे वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत देर के वेट के बाद ओपन होता है। तो वहाँ पे कम से कम 2-3 मिनट खड़े रहना पड़ता है, तब जाके वो वाइट होता है पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो अभी बस वेट करना है। अभी समर्स का टाइम आ गया है, तो ऑलमोस्ट 6:35-6:40 हो रहा है, बट बहुत चुभने वाली धूप है। हम लोग एक्चुअली, मतलब मेरा जो राली है लाइक ए हैबी टूवर्ड्स लाइक द साउथ ऑफ USA, तो यहाँ पे बहुत चुभने वाली धूप होती है। मतलब उसमें इरिटेशन होता है, इतना गंदा इरिटेशन मुझे इंडिया वाली, मतलब मैं भोपाल में रहती थी तो वहाँ वाली धूप ऐसे चुभती नहीं थी, यहाँ की धूप तो चुभती है। तो बट फिर भी ग्रोसरी लेने तो आना ही पड़ता है। वैसे वॉलमार्ट वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट मुझे खुद आके ग्रोसरी खरीदना पसंद भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं खुद ही आके लेती हूँ। कूल, सो मैंने मेरी ट्रोली ले ली और मैं जस्ट घुसी हूँ फूड लाइन में। आते आते ना ओवर द टाइम आपका एक फिक्स पैटर्न हो जाता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो। तो मैं हमेशा मिल्क और एग्स वाले सेक्शन से स्टार्ट करती हूँ। ये एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे है, मतलब वहाँ पे अगर स्टोर स्टार्ट होता है तो ये सबसे एंड वाला रो। सो ये पूरा बटर्स का सेक्शन है और यहाँ पे बटर यू कैन सी कि बहुत अलग अलग प्राइस रेंजेस में होता है। तो जो मैं यूजुअली लेती हूँ वो $3 या ये $4.49 वाला बटर होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ एग्स हैं, तो एग्स भी जो लेने वाले होते हैं वो $3 या $4 के होते हैं। मेरा मतलब लेने वाले से ये था कि जो ऑर्गेनिक, यहाँ पे हर चीज़ का जो ऑर्गेनिक वेरिएशन है वो कम से कम $3 या $4 एक्स्ट्रा होता है। तो जो नॉर्मल एग्स हम लोग खाते हैं वो $3 या $4 के 12 एग्स आते हैं, एक्चुअली $3 के, एग्जैक्टली $3, बट जो दूसरे वाले होते हैं वो 8। फिर ये आइसक्रीम का सेक्शन है, तो आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं वो यूजुअली ये वाली है, चॉकलेट एंड कुकी क्रीम, तो ये $2.39 की आती है। फूड लाइन ब्रांड की है तो सस्ती होती है। फिर जो दही मैं खरीदती हूँ ये वाला $4 का आता है। मुझे अभी गर्मी आए तो ये फ्लेवर्ड योगर्ट्स भी बहुत पसंद है, तो ये वाला यूजुअली $1 का एक मिलता है, तो ये $4 में 4 है। फिर ये वाला मिल्क रफली 2 लीटर्स का, ये $2.69 का आता है, तो दूध इतना महंगा नहीं है। मैं फ्रोजन का जो बता रही थी ना वो पूरा सेक्शन था, और फिर ये वाला पूरा सेक्शन फ्रोजन फूड का है, तो यहाँ पे फ्रोजन फूड तो मतलब बहुत ज़्यादा चलता है। सो मैं वेजिटेबल सेक्शन में हूँ, और मैं क्योंकि बता रही थी कि अभी मैं इतना घूम के आई हूँ और लाइक एग्जाम्स थे उसके पहले, तो मैंने ऑनेस्टली लास्ट 15-20 डेज में बिल्कुल वेजिटेबल्स नहीं खाई है। मतलब ऐसा बहुत काम चलाओ खाना खाया है कि दाल चावल खा लिया, हेल्दीएस्ट दैट आई एट बस दाल चावल, और नॉन अनहेल्दी में तो बहुत बार का खाया है, तो इसलिए आज काफ़ी सारे वेजिटेबल्स खरीदने का ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने 2 खीरे ले लिए, ये 79 सेंट्स के। एंड यहाँ पे पालक मिल रहा है तो मैं ये ले रही हूँ, ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, $1.69 का। मेरे को पालक पनीर का बहुत मन है तो ये पालक का बंच। एक्चुअली ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर नहीं है, तो यहाँ पे सब्जियों का हमेशा भरोसा नहीं होता कि क्या मिलेगा क्या नहीं, बट आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है और आज यहाँ पे गोभी है अवेलेबल। यहाँ पे ऐसा ऑल्टरनेशन में रहता है यूजुअली कि या तो भिंडी मिल जाती है या गोभी मिल जाता है, और मुझे भिंडी खाना पसंद नहीं है, तो यूजुअली यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, मतलब जैसे कि कॉलीफ्लावर आज है, कैबेज हमेशा होता है। मैंने सोचा मैं कैमरा दूसरी साइड करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे जैसे कैबेज अवेलेबल है, और ये हमेशा ये सारे शिमला मिर्च और ये अलग अलग तरह के जो बेल पेपर्स होते हैं ये हमेशा मिल जाते हैं, और ये बैंगन मिल जाता है बट ये मेरे को खाना पसंद नहीं है। ये फिर ये ब्रोकली हमेशा मिलती है, ग्रीन अनियंस, ये धनिया, ये पूरा सेक्शन ग्रीन वेजिटेबल्स का ही है, यूजुअली यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा मिलता है। सो यस, मुझे गोभी मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कई दिनों से गोभी नहीं खाया। यूजुअली जो पटेल ब्रदर्स है इंडियन स्टोर, वहाँ तो हमेशा मिल ही जाता है, बट वहाँ जाना बहुत टाइम से हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जब जो मिल जाए किस्मत की बात है। कूल, सो अभी तक मेरा ये हो चुका है, ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं अभी तक।
मैं क्विकली फ्रूट्स का सेक्शन भी दिखाती हूँ. मेरे पास एप्पल्स रखे हुए हैं, वो वॉलमार्ट से मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर कर दिए थे तो वो मैं नहीं ले रही. बट ये एप्पल के अलग अलग वेरिएशन हैं. जो सबसे सस्ता जो है ये $1.70 का आधा किलो है. तो अगर इसको इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट करो तो $2 से कम ही है. तो लाइक यू नो रफली 120-130 रुपीज़ का आधा किलो. देन ये ऑरेंजेस 69 सेंट्स के हैं. लेमन्स यूजली $1 का एक आता है. लेमन्स थोड़े से महंगे होते हैं बट होते भी बहुत बड़े हैं. और आज वाटरमेलन से हैं क्योंकि गर्मी आ गई है. तो ये बड़ा वाटरमेलन एक $7 का है. मैं ये नहीं लेके जाऊँगी, मैं बाहर ढूंढूंगी वो जो छोटा बॉक्स मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा मैं खा नहीं पाऊँगी और वो सड़ जाएगा. तो मुझे प्याज खरीदनी है, तो प्याज आधा किलो 99 सेंट्स की है, तो लाइक रफली 75 रुपीज़ का हाफ के जी. मुझे ये दिखाना है कि ये हैं कितने बड़े, मतलब मेरा पूरा हाथ ऐसे कवर कर रहे हैं. बहुत बड़े होते हैं तो काट के एक बार में यूज़ नहीं होते. और इंडिया हो या US हो, प्याज के बगल में हमेशा आलू ही होता है. तो आलू यहाँ पे $3 से $4 के बीच में ये पूरा बड़ा वाला पैकेट मिल जाता है. और वो यूजुअली बहुत दिन चलता है, 1-1.5 महीना तो मेरा चल ही जाता है. देन मैंने बनानास खरीदे. बनानास यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं, 59 सेंट्स की आधा किलो. तो मैंने 4 या 5 लिए हैं, पता नहीं कितने के होंगे एग्जैक्टली. बाकी फिर टमाटर खरीदने हैं, तो टमाटर ये वाले कितने के हैं, $1.39 का आधा किलो. तो ये मैं रफली कितना 2 किलो के आसपास खरीदूंगी. तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, लाइक रफली कितना $4-5 के अंडर ही. तो $5 इज़ लाइक नॉट वेरी एक्सपेंसिव. गार्लिक यहाँ पे एक पीस $1 का आता है सीधा. तो रफली मतलब 75 रुपीज़ का एक गार्लिक मिलता है. तो मैंने ये फ्रूट्स के दो डब्बे बॉक्स भी खरीदे हैं. मैं जो बता रही थी कि ये फिर अकेले खाने में नहीं आते हैं. तो जैसे वाटरमेलन्स का ये वाला बॉक्स $2 का है, वैसे आई थिंक ये महंगा है क्योंकि वहाँ पूरा बड़ा वाटरमेलन $7 का मिल रहा है. बट बात यही है कि सिर्फ पैसे का भी नहीं, फिर ये भी सोचती हूँ मैं कि खाना वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. वैसे ही अननोइंगली कभी कभी हो जाता है, तो उतना बड़ा फेंकेगा ही, इसलिए यही वाला ले रही हूँ. और दूसरा ये वाला बॉक्स है फ्रूट्स का, ये भी $2 का ही है. तो ये पैकेज वाले हमेशा महंगे भी होते हैं और इनमें प्रिजर्वेटिव्स आई गेस होते होंगे, बट ये वाला ले रही हूँ मैं. मेरी शायद इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं. मुझे ब्रेड वगैरह और ढूंढना है, बट मुझे दिखाना है यहाँ पे क्या कितने का मिलता है. तो जैसे ये वाला जो केक है ये $6 का है, नीचे वाला $15 का केक है. यहाँ पे केक के ना इतने ही ऑप्शंस होते हैं, मतलब उस चीज़ में इंडिया की बेकरीज बहुत बेटर होती हैं. यहाँ पे अगर कोई एगलेस केक ढूंढ रहा हो तो वो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है. मेरे जो फ्रेंड्स एग नहीं खाते उनके लिए हमेशा आइसक्रीम केक ये वाला जो होता है ना, यही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि बाकी सारे केक्स में इधर एग है. जो सैंडविच के साथ खाने के लिए सीजनिंग्स वगैरह होती हैं वो सब $2 से लेके $4 की रेंज की होती हैं. तो मैं बता रही थी कि ना ये ना यहाँ पे किडनी बीन्स बेसिकली अपना वाला ही राजमा होता है जो इंडियंस खाते हैं, बट ये यहाँ मैक्सिकन फूड में बहुत डलता है. तो उस वजह से ये किसी भी अमेरिकन स्टोर में आपको राजमा मिल जाएगा. और ये ऑरेगानो लेना था मुझे, ये $3 का है. तो यहाँ पे अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर है ये, बट यहाँ पे ये इंडियन पेस्ट और इंडियन मसाले भी कुछ कुछ मिल जाते हैं. इनमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं, बट फिर भी ये है कि आपको कभी जब भी जल्दी बनाना है तो ये मिलते हैं ऑप्शंस. ये पूरा पास्तास का सेक्शन है, ये $1.5 से लेके $3 का पूरा ऐसा पास्ता का डब्बा आ जाता है, वो $2 का है. यहाँ पर पास्ता महंगा नहीं मिलता क्योंकि बहुत स्टेपल फूड है, सब खाते हैं. यहाँ लेज महंगे मिलते हैं, तो जैसे ये वाला जो बड़ा वाला लेज का पैकेट है ये $4 के हैं, $4.5 के हैं. बाकी मेरे को लग रहा है मैं मोस्टली चीज़ें तो खरीद चुकी हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है एक बार मैं एक राउंड मार लेती हूँ, ताकि मैं एक जल्दी से, क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, तो एक क्विक टूर भी दे दूँगी ग्रोसरी स्टोर का, और मुझे याद भी आ जाएगा कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ. तो बस एक्चुअली मैं जितना मुझे लग रहा था उतना भी ज़्यादा सामान नहीं हुआ है. यहाँ पे सारे कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन है, कोल्ड ड्रिंक्स चेक करते हैं कितने की हैं, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक्स ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं पीती, तो मुझे खुद ही आइडिया नहीं है कितने की हैं, बट वीडियो के लिए अच्छा रहेगा. तो ये 90 सेंट्स की है यार, बॉटल सस्ती है फिर तो 7-Up की. मैंने ऑनेस्टली एक बार भी नहीं खरीदी. वहाँ चल के कोक का प्राइस चेक करते हैं, मुझे भी आइडिया होना चाहिए सब कितने का मिलता है. कोक का कहाँ लिखा है, तो ये कोक की बॉटल, ये बड़ी वाली बॉटल $2.29 की है, तो कोक उतना सस्ता नहीं है. मैंने शैम्पू यहाँ से नहीं ख़रीदा है, बट मुझे रिलाइज हो रहा है यहाँ बहुत कम वैरायटी है. यहाँ पे जितने हैं ये सब $5 से लेके $10 के बीच के हैं, पर ये फूड लाइन है एक्चुअली, यहाँ पे इसका स्पेशलिटी नहीं है. तो मैंने ये दूसरा एक स्टोर है टारगेट में, वैसे वहाँ से ख़रीदती हूँ यूजुअली शैम्पू और टूथपेस्ट वगैरह, बट ये टूथपेस्ट है तो ये कोलगेट का सेंसिटिव जैसे ये वाला
$5.5 का है, तो रफली कितना, आई गेस 250-300 रुपये, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ना डॉग और कैट फूड का भी एक पूरा डेडिकेटेड सेक्शन होता है। आई गेस यही ऐसा क्विक टूर था यहाँ ग्रोसरी स्टोर का, और अब बस मैं ये बिलिंग कराने के लिए जाऊँगी। अच्छा, बिलिंग के लिए एक चीज़ है जो मुझे नहीं पता थी कि US में दो तरह के चेकआउट्स होते हैं। तो ये जैसा सेल्फ चेकआउट, मतलब कि आप खुद अपना ट्रॉली लेके वहाँ पे जाओगे, मैं वही करती हूँ और खुद ही बिलिंग जैसे वो कर रहे हैं वहाँ पे। और फिर दूसरा होता है फुल सर्विस एक्सप्रेस। तो फुल सर्विस में ऐसा ही होता है कि जो एक कोई और एक एम्प्लॉई वहाँ का, वो आपके लिए करके देंगे जैसा इंडिया में है। तो वो मैं ये सेल्फ चेकआउट वाले लाइन में लगी हुई हूँ, ये खाली है, तो बस इस वाले में मैं करूँगी। ये सब चीज़ें आपको कुछ नहीं लगती, बट जैसे फर्स्ट टाइम किया था तो ये ऐसा स्कैन करना नहीं आता था कि इसका ये जो QR है ये इस पर ऐसा टैप करना पड़ेगा। तो ये बस ऐसे करते, फर्स्ट टाइम जब किया था तो बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, बट अब तो मतलब बहुत एवरीडे वाली चीज़ हो गई है, तो आदत हो गई है। तो मेरा $39 का आया ये पूरा सामान, और बहुत दिनों के बाद आ रही थी तो इतना तो एक्सपेक्टेड था। जब भी मैं 15-20 डेज के बाद ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ तो रफली $40 का बिल बनता ही है। बट यार सब इसको फटाफट से, आज मैं मेरा बैग लेके आई हुई हूँ तो मैं आधा सामान बैग में लेके जाऊँगी, क्योंकि फिर दोनों हाथों में लेके कैरी करके ले जाने में बहुत गंदे हाथ दुख जाते हैं। तो मिल्क और ये दही, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे लग रही हैं वो मैं ट्राई करूँगी कि इसी में घुसा दूँ, तो अपना घर तक जाने में बहुत गंदी हालत हो जाती है हाथों की। अभी 3-4 मिनट हो गए थे मुझे वहाँ से यहाँ तक आके, ऑलमोस्ट सिग्नल तक पहुँची हूँ मैं, और फूड लाइन वहाँ अंदर पूरा क्रॉस करके उधर साइड है। तो अभी हाथ थक गए तो मैंने थोड़ा छोटा सा ब्रेक ले लिया, ये यूजुअली होता ही है, एक ब्रेक लेती हूँ मैं रास्ते। तो बस ये मेरा घर ऑलमोस्ट आ गया, यहाँ पे बस सीधा 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 जाना है। मैं घर का टूर एक दिन अलग से करूँगी वैसे। नहीं था वीडियो का ये एंड है, तो अब मुझे बताइएगा आपको और क्या देखना है। मैं ऑलमोस्ट बस घर पहुँच ही गई, तो अब बस घर जाके सब फ्रिज में अरेंज करना रहेगा, मतलब जो भी चीज़ें जहाँ किचन में अरेंज करना रहेगा। और उसके बाद फिर बस मैं डिनर बनाऊँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि गोभी की सब्ज़ी बना ही लूँगी, क्योंकि इतने दिनों के बाद मिली है। बट टेक केयर गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।